क्या किया, रिफ्रेशर एयर कंडीशन अप्लाई किया गवर्नमेंट का, तो तभी से मैं ये लाइन में। और फिर मेरा जो भी शॉप का नाम है दर्शन रेफ्रिजरेशन सर्विस सेंटर अमृत नगर घाटकोपर वेस्ट में, इस जगह पे मैं वर्कशॉप भी है और 4 से 5 आदमी मेरे पास काम करते हैं। एक एक बिल्डिंग में मेरे हर बिल्डिंग में देखेंगे घाटकोपर में से 2-4 कस्टमर ऑलरेडी है आज के डेट में। और बहुत सारी कंपनी में काम करते हैं, गोदरेज, वर्लपूल, सैमसंग, हैंड कैरियर, एयरकॉन करके एसी का कंपनी में भी ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो अभी काम करते करते मैंने अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाए और मुझे काम मिलने लगे, तो इस हिसाब से फिर कंपनी का जो भी पेमेंट था वो नहीं परवड़ने की वजह से मैंने अपना खुद का बिजनेस चालू करने का सोचा। और ऐसे ही मुझे कंप्लेन आते आते आज 5 साल से मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ। और मोबाइल है, 2 मोबाइल है, तो 2 मोबाइल नंबर में एडवर्टाइजिंग करता हूँ। और बहुत सारे शोरूम्स है, जैसे रामरतन इलेक्ट्रॉनिक्स है, चंद्रिका इलेक्ट्रॉनिक्स है, BPL अथॉरिटी सर्विस सेंटर है, उनके भी कुछ मेजर वर्क, 3 वर्क, पेंटिंग वगैरह जो भी आते हैं वो भी मैं काम उनका लेता हूँ। क्वालिफाई होने की वजह से मुझे कस्टमर के पास जाने के बाद किस तरीके से बात करना है वो सब मुझे जानकार रहने की वजह से कोई भी कस्टमर मुझे ज़्यादा करके ना नहीं बोलता। आज ठंडी का सीज़न है तो भी मेरे पास काम कम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इतना सारा माउथ टू माउथ मेरा पब्लिकेशन हुआ है, सारे कस्टमर टू कस्टमर मुझे मिलते जाते हैं।